हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स में कॉलिजन थ्योरी। ठीक, तो आज हम इसका बहुत ही बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली कॉलिजन थ्योरी क्या बोलता है ये समझने का ट्राई करते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन है, अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, लेट्स से कुछ रिएक्टेंट मान लेते हैं कि ऐसे मान लो रिएक्शन ए प्लस बी है और ये सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ए एंड बी रिएक्टेंट है एंड सी यहाँ पे प्रोडक्ट है, राइट। तो कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं कोई भी रिएक्शन है, अगर रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पे ए एंड बी रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे। अगर ये कोलाइड होंगे तो कोलिजन के बाद फिर क्या होता है, इनके बीच में जो भी बॉन्ड होगा वो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर कोलिजन के बाद न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, कोलिजन थ्योरी क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोलिजन होगा, कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म होता है। सिंपल सी सा लाइन है, मीन्स रिएक्शन कैसे होता है, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद ये कुछ न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, राइट। अब होता क्या है कोलिजन से, मान लीजिए रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन में कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत ही सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ, HCl एंड NaOH है, लेट्स से ये फॉर्म हो रहा है NaCl प्लस H2O, राइट। ये केमिकल रिएक्शन है, लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, H एंड Cl में बॉन्ड है, यहाँ पे Na एंड OH में बॉन्ड है। आप क्या देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे हुआ, तो ये H एंड Cl के बीच में बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया और न्यू बॉन्ड Na एंड Cl के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ है। सिमिलरली H एंड OH में न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, तो H2O फॉर्म हुआ यहाँ पे। इट मीन्स केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होते हैं, H एंड Cl के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, Na एंड OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो अगर आपसे कोई भी पूछे केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो एक लाइन में बॉन्ड ब्रेक होंगे एंड देन न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं, बस यही काम होता है केमिकल रिएक्शन में, क्लियर है। तो अब ये जो बॉन्ड ब्रेक करना है तो ये कैसे होगा, तो कॉलिजन थ्योरी बोलता है कि पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, कॉलिजन से क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आई होप इतना क्लियर है। अब आगे का लाइन सुनते हैं। अब आगे की स्टोरी ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली आप देखोगे कि कंटेनर में मान लो ए एंड बी है, लेट्स से ए एंड बी का अगर आप नंबर ऑफ कॉलिजन देखोगे, वैसे नंबर ऑफ कॉलिजन ये आप कैलकुलेट कर सकते हो या फिजिक्स में वैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये नंबर ऑफ कॉलिजन कितना होगा, ये आप 12th में पढ़ोगे वैसे फिजिक्स में। जब ये आप कैलकुलेट करोगे, मान लेते हैं ये वैल्यू अगर x आया, लेट्स से अगर नंबर ऑफ कॉलिजन x है, तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो नंबर ऑफ कॉलिजन जितना भी हो रहा है उतना नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। एक्चुअली कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि जितने कॉलिजन से ही प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो जितने कॉलिजन होने चाहिए उतने प्रोडक्ट फॉर्म होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलिजन हैं उससे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम फॉर्म होते हैं, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। तो इसके लिए बोला गया नेक्स्ट स्टेटमेंट कि जितने भी कॉलिजन होते हैं, मान लो अगर ये नंबर ऑफ कॉलिजन x है, तो सारे कॉलिजन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं, तो इनमें से कुछ कॉलिजन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, कुछ कॉलिजन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेंगे। तो जो भी कॉलिजन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा इसे बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन, एंड जो कॉलिजन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा
इसे बोलते हैं इनइफेक्टिव कॉलिजन। देखिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल सा सिर्फ तीन लाइन बताया। अभी तक मैंने क्या बताया कि कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे, कोलाइड होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने बोला कि ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि जितने भी नंबर ऑफ कॉलिजन होते हैं कंटेनर में, उससे देखा गया है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑलवेज कम होता है। ये पॉइंट समझ में आया, ये ऑब्जर्वेशन है। अब फिर ये बोला गया कि जितने भी कॉलिजन हैं सारे के सारे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करते हैं, जो भी कॉलिजन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे इनको बोलते हैं इफेक्टिव कॉलिजन। जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है इसे बोलेंगे इनइफेक्टिव कॉलिजन। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब आपका नेक्स्ट डाउट होगा कि यार कोई भी कॉलिजन इफेक्टिव होगा या इनइफेक्टिव होगा कैसे डिसाइड करेंगे, क्लियर है? तो किसी भी कॉलिजन को इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए, इफेक्टिव कॉलिजन मीन्स कॉलिजन विच रिजल्ट्स इनटू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तो किसी भी कॉलिजन को इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए कुछ कंडीशन फुलफिल करना होता है। अब वो कंडीशन कौन कौन से हैं ये हम देखने वाले हैं, क्लियर है? तो चलिए एक काम करें, आप कॉलिजन थ्योरी हेडिंग दीजिए और जस्ट इसमें एक दो पॉइंट नोट कर लें। लिखिए कि टू फॉर्म प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, कॉलिजन थ्योरी में लिखिए कि टू फॉर्म प्रोडक्ट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर, टू फॉर्म प्रोडक्ट मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विथ ईच अदर। इसमें आगे लिखिए कि ड्यूरिंग दीज कॉलिजन एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड new bonds are formed। हो गया, existing bonds are broken and new bonds are formed। आगे पॉइंट लिखें कि but every collision does not result in product formation, but every collision does not result in product formation। हो गया, तो फिर जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कॉलिजन, एंड जिस कॉलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा इसे क्या बोलेंगे, इनइफेक्टिव कॉलिजन। तो ये भी पॉइंट लिख लें कि कॉलिजन दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, कॉलिजन दैट एक्चुअली रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन आर कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। हो गया, तो अब इनइफेक्टिव तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जिससे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा इसे बोलेंगे इनइफेक्टिव कॉलिजन। अब यार इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए कंडीशन क्या है, तो चलिए ये लिखिए कि लिखिए आप ये पॉइंट, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन फॉलोइंग टू बैरियर्स
फॉर इफेक्टिव कॉलिजन फॉलोइंग टू बैरियर्स मस्ट बी फॉलोइंग टू बैरियर्स मस्ट बी ओवरकम्ड. आपको टू बैरियर को ओवरकम करना है. कौन कौन से बैरियर हैं ये देखते हैं. फॉर इफेक्टिव कॉलिजन फॉलोइंग टू बैरियर्स मस्ट बी ओवरकम. फर्स्ट बैरियर है ओरिएंटेशन बैरियर. ओरिएंटेशन बैरियर अब थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं. ओरिएंटेशन बैरियर क्या है. जैसे मान लीजिए मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि चलिए मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल है ए बी और प्लस बी मिलके ये फॉर्म हो रहा है ए प्लस बी टू. ये रिएक्शन है. लेट्स से मान लेते हैं जस्ट ऐसे ही रैंडम मैंने रिएक्शन ले लिया कि ए बी प्लस बी मिलके फॉर्म हो रहा है ए प्लस बी टू. राइट. अब अगर देखेंगे ये रिएक्शन कैसे होगा. चलो मान लेते हैं कि ये मेरा ए का मॉलिक्यूल है. ये ए है और ये छोटू सा बी है. फिर ये बी के साथ ये भी बी है. प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है ए मीन्स ए बड़ा सा मैं जस्ट डिनोट कर रहा हूँ प्लस बी टू मीन्स एक बी रहेगा एक और बी रहेगा. ये हो गया बी टू. क्लियर है. आप कुछ ऐसे सोचें ये रिएक्शन कैसे हो रहा है कि मान लीजिए ए बी है प्लस बी है. तो जैसे आप समझें कि ये मान लीजिए ए है ये ए है और ये लेट्स से बी है. ये मॉलिक्यूल ए बी हो गया और ये बी है. राइट. ये बी है. जब रिएक्शन होगा तो फिर ए अलग हो रहा है प्लस बी बी ये साथ में आ रहा है. तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए मुझे. अब ध्यान से देखना क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपके पास ए और बी ए बी ऐसा दिख रहा है इसके साथ B को कोलाइड होना है. तो जब ये कोलाइड होगा फिर प्रोडक्ट फॉर्म होगा. अब ये जो A B है अब ये 3D में होगा. 3D स्पेस में B भी है. तो A B से B को कोलाइड होना है. तो B यार कैसे भी रैंडम कोलाइड हो सकते हैं. मतलब मान लो ऐसे मूव कर ये है यहाँ पे स्पेस में है ये भी स्पेस में है 3D में. तो ये इधर से भी कोलाइड हो सकता है इधर से भी कोलाइड हो सकता है इधर से भी कोलाइड हो सकता है इधर से भी कोलाइड हो सकता है. लेकिन आप देखेंगे कि अगर B2 फॉर्म करना है B B फॉर्म करना है तो प्रोडक्ट तभी फॉर्म होगा जब A B ऐसा है और B जस्ट इस डायरेक्शन में आए कोलाइड होगा तभी प्रोडक्ट फॉर्म होगा. अगर ये इस डायरेक्शन से आके कोलाइड हो कभी भी B और B के बीच में बॉन्ड बनेगा क्या. नहीं. मीन्स B एंड B के बीच में बॉन्ड बनाना है तो B को किस साइड से कोलाइड करना पड़ेगा. B के साइड से ही कोलाइड करना पड़ेगा. इट मीन्स अगर मान लो कि यहाँ से B आए इस डायरेक्शन से आए और यहाँ से ऐसे कोलाइड करे तो अगर ये कोलिजन होगा तो कभी भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा क्या. बिल्कुल नहीं. मीन्स आपको B भी फॉर्म करना है B भी इस कोलिजन से कभी फॉर्म नहीं होगा. बात समझ में आया. तो फिर इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन. तो इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन मीन्स इस ओरिएंटेशन से अगर कॉलिजन होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा. राइट. लेकिन अगर यही पे मान लीजिए कि कॉलिजन कुछ ऐसे डायरेक्शन में हो जाए ए और यहाँ पे बी है इस डायरेक्शन से कॉलिजन हो जाए तो ऑफ कोर्स बी एंड बी कोलाइड होगा तो पॉसिबल है बी टू फॉर्म हो जाए और ये ए सेपरेट हो जाए. मीन्स अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो सकता है ए प्लस बी टू. क्लियर है. तो इसको बोलेंगे अपन प्रॉपर ओरिएंटेशन. तो ये है प्रॉपर ओरिएंटेशन. क्लियर है. तो चलिए अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं यहाँ से कि
मॉलिक्यूल था, ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट है। तो अगर ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, आप देखेंगे कि अगर ये रिएक्शन हो रहा है तो ए बी के बीच में पहले बॉन्ड था, बी एंड बी के बीच में बॉन्ड नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में देखेंगे ए सेपरेट हो गया, मीन्स बॉन्ड ब्रेक हो गया, बी एंड बी के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया, राइट। आप सोचो कि ए है, बी है और ये भी बी है, इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, तो साइमल्टेनियसली यहाँ से बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होगा। एक ऐसा टाइम आएगा ये बी बी के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये ए निकल गया बाहर। तो एक ऐसा स्टेज होगा जब ए है यहाँ पे, बी से बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा होगा और यहाँ पे भी बी से ये बॉन्ड फॉर्म भी कर रहा होगा, मीन्स स्लोली बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ से स्लोली बॉन्ड ब्रेक होगा। एक ऐसा स्टेज आएगा कि यहाँ से हाफ बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, यहाँ से हाफ बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, राइट। फिर ये फाइनली जैसे ही ये बॉन्ड कंप्लीट फॉर्म हो गया, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, या फिर इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये है ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि रिएक्शन कोई भी अगर प्रोसीड होगा तो पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लेकिन ब्रेक एंड फॉर्मेशन में भी एक ऐसा कंडीशन होगा जब हाफ बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, हाफ बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्लियर है। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ ये ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या है। जैसे आप समझें कि एक और एग्जांपल, एक रिएक्शन है 2NO2 इज कन्वर्टिंग इनटू N2O4, ऐसा रिएक्शन है, मीन्स 2NO2 का मतलब है NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, टू मॉलिक्यूल मिलके ये फॉर्म होगा N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा फॉर्म होना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि 2NO2 के मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे तब ये जाके N2O4 फॉर्म होगा, राइट। NO2 का अगर आप देखेंगे शेप कुछ ऐसा ही होता है, राइट। अब सोचिए कि अगर NO2 है, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, अगर ये इस डायरेक्शन में कोलाइड करेंगे, राइट, तब तो N एंड N के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और ये क्या फॉर्म हो सकता है, N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है। तो मैं इस ओरिएंटेशन को बोलूँगा प्रॉपर ओरिएंटेशन, मीन्स ये है अपना प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है और एक बार ऐसे N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O है, अगर ये इस साइड में, क्योंकि मॉलिक्यूल 3D में है तो ये जस्ट मूव करते रहेंगे रैंडम, तो अगर मान लीजिए ये इस डायरेक्शन से आ रहा है और ये भी इस डायरेक्शन से आ रहा है, अगर अब ये कोलाइड हुए तो ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन से कोलाइड नहीं होंगी, कहाँ से कोलाइड होंगी, पास में इनके ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ से कोलिजन होगा, तो इस कोलिजन से कभी भी N2O4 ऐसा मॉलिक्यूल कभी फॉर्म होगा क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि कोलिजन से ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, जो कि पॉसिबल है नहीं। मीन्स अगर NO2 इस डायरेक्शन में, इस ओरिएंटेशन में अगर कोलाइड करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, इस ओरिएंटेशन को बोलेंगे इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कॉलिजन तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन सारे कॉलिजन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, कौन से कन्वर्ट होंगे, जिनका ओरिएंटेशन प्रॉपर है। तो आपको पहला बैरियर ये था, ओरिएंटेशन बैरियर, आई होप समझ में आया होगा।
तो जल्दी से ये पॉइंट नोट करें, यहाँ पे आपने हेडिंग तो दिया होगा राइट, ये ओरिएंटेशन बैरियर में था, यहाँ पे जल्दी से नोट कर लें। अब बात कर लेते हैं अपन सेकंड बैरियर के बारे में, इससे पहले आप जल्दी से नोट करें। तो चलिए आई होप आपने जल्दी से नोट कर लिया है। अब चलिए मैं सेकेंड बैरियर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो सेकेंड बैरियर है एनर्जी बैरियर राइट, तो हेडिंग है एनर्जी बैरियर। अब देखिए ये एनर्जी बैरियर क्या है, तो इसको समझने के लिए चलो मैं मान लेता हूँ कि फर्स्ट पहले मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर, चलो पहले मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लॉट कर रहा हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ठीक, तो आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच लेस देन जीरो होता है। डेल्टा एच रिएक्शन लेस देन जीरो होता है, मीन्स कोई भी रिएक्शन लेट से अगर मान लो कि रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट है, तो इसका डेल्टा एच रिएक्शन विल बी लेस देन जीरो राइट। तो डेल्टा एच इज़ हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट, मीन्स हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन जीरो। मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होता है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ से हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा, रिएक्टेंट के पास या प्रोडक्ट के पास? तो ऑफकोर्स आपका आंसर होगा कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है तो रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी होगा, प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी होगा राइट। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए कैसा आएगा ग्राफ, अगर मैं एक्स एक्सिस पे ले लूँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन एंड वाई एक्सिस पे ले लूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो रिएक्टेंट के पास ज़्यादा एनर्जी होगा। मान लीजिए यहाँ पे रिएक्टेंट है अगर, तो प्रोडक्ट का एनर्जी वैसे कम होगा, प्रोडक्ट मान लीजिए यहाँ पे है। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ